सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द मल्टी श्री में। आशा करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक डेजर्ट बनाएंगे जिसका नाम है कोको कस्टर्ड विद चॉकलेट चिप्स। चलिए देख लेते हैं उसका प्रोसीजर। कोको कस्टर्ड विद चॉकलेट चिप्स, जिसके लिए आप ले लें 5 कप दूध, आधा कप कोको पाउडर, 2/3 कप कस्टर्ड का पाउडर, वनीला कस्टर्ड का पाउडर, 1 कप चीनी जिसको मैंने पाउडर शुगर बना के रखा हुआ है, और चॉकलेट चिप्स जिसको हम गार्निश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रोसीजर। पहले हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर, कोको पाउडर और चीनी को एक साथ मिला लेंगे। फिर हम इसमें 1 कप दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये अच्छी तरह से घुल गया है। फ्लेम ऑन कर लीजिए। चार कप जो दूध था वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। देखिए दूध थोड़ा गर्म हो गया है। हम अभी ये जो कोको और कस्टर्ड का मिक्सचर है इसको हम इसमें डालेंगे। एक हाथ से डालेंगे, एक हाथ से चलाते रहेंगे। ध्यान में रखिए ये पूरा प्रोसेस आपको धीमी आंच पे ही करना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको ऐसे चलाते रहिए 5 से 7 मिनट के बाद। देखिए ये कैसे गाढ़ा होने लगेगा, कितना चॉकलेटी और क्रीमी लग रहा है, रंग भी कितना अच्छा आया है। देखिए ये पूरा रेडी है। हम अभी गैस ऑफ करेंगे और 1-2 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको इसमें पोर करेंगे। थोड़ा चॉकलेट चिप्स डालेंगे। फिर हम ऊपर से और थोड़ा सा पोर करेंगे। फिर हम ऊपर से थोड़ा चॉकलेट चिप्स डालेंगे और इसको 30 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। 30 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हम इसको निकाल के लाए हैं। देखिए हमारा कोको कस्टर्ड विद चॉकलेट चिप्स पूरा रेडी है। कितना क्रीमी दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। एक बार बनाइए और मुझे बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी।